शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं सोऽहं आनन्दोऽहं आनन्दोऽहं चैतन्योऽहं सोऽहं सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सोऽहं। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये भाव थे जो एक संदेश प्रकृति की ओर से देने को कहा गया, उसको भाव रूप में मैंने प्रकट करने की कोशिश की है। संदेश बिल्कुल क्लियर कट है। अपनी चेतना में, आत्मचिंतन में जागो। अपने ऊपर अपने आत्मा के गुणों को इसी प्रकार याद करो, गाकर, भाव से, प्यार से, समझते हुए कि मैं शुद्ध रूप हूं, मैं शरीर नहीं। इस शरीर के भीतर वो जो चैतन्य तत्व है, वो शुद्ध रूप है, वो मैं हूं, जिस पर आज तक कोई मैल नहीं चढ़ी, कोई पाप, कोई पुण्य जिस तक नहीं चढ़ पाया, जिसे छू भी नहीं पाया, वो अजन्मा आत्मा मैं हूं। मैं इस शरीर के भीतर जरूर हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मैं बुद्ध हूं, मैं जागृत हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अंधकार नहीं, मैं प्रकाश रूप हूं, मैं उजाला हूं, मैं परम प्रकाश हूं, मैं आनंद रूप हूं और मैं सदा मुक्त हूं। मैं दुख और सुख से परे हूं। दुख और सुख इस शरीर का स्वभाव है, मान और अपमान इस मन का स्वभाव है। ना मैं मान हूं, ना मैं अपमान हूं, इन सब से पार हूं मैं। कोई भी लाभ या हानि मुझ तक नहीं पहुंच सकती, कोई भी पाप या पुण्य मुझ आत्म स्वरूप को कभी नहीं छू सकता। मैं चैतन्य हूं, मैं अकर्ता होते हुए भी सब कार्य कर रहा हूं। मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी प्रेजेंस में सब कुछ होता है। ये इस आत्मा का गुण है। जरा समझें किस तरीके से हम कुछ भी नहीं करते और फिर भी सब कुछ होता है। जैसे चुंबक पड़ा है अपनी ही जगह पर, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो कुछ भी ना करे तो भी आसपास के मैग्नेट उसकी ओर खींचे चले आते हैं, आसपास का लोहा उसकी ओर खींचा चला आता है। ये चुंबक की अपनी गुण है। ऐसे ही हमारी आत्मा के अपने गुण हैं। हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, आनंद रूप हैं और सदा चैतन्य हैं। इसलिए अपने इन गुणों को याद करते रहें, अपने भीतर के दुखों को काटते चले जाएं, मिटाते चले जाएं। अपने भीतर के पाप सदा नष्ट होते चले जाएंगे। अपने भीतर के उन गुणों को याद कर करके आप अपनी चेतना में जागृत होइए, अपने आप को जगाइए। कई बार जब ये मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, संसार के जब थपेड़े पड़ते हैं, तो मन संसार से डिटैच हो जाता है। और ये प्रकृति की बड़ी कृपा है हम पर, ये कुदरत की, नेचर की बड़ी दया है, जो संसार में वो हमें लिप्त नहीं होने देती। जब जब जिस जिस व्यक्ति से, जिस जिस वस्तु से आप मोह करेंगे, वो मोह आपका तोड़ा जाएगा, बार बार तोड़ा जाएगा। और कुदरत की, प्रकृति की, परमात्मा की ये हम पर बड़ी दया है कि वो किसी से भी हमें अटैच नहीं होने देती। और अगर आपके साथ ऐसा ज्यादा हो रहा है तो समझिए कि आप परमात्मा के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि अपने प्यारों को वो किसी बंधन में कभी नहीं डालने दे सकता। इसलिए हमें मुक्त हैं हम, हमारी आत्मा परम मुक्त है, और जिसे उसे मुक्ति देनी है उसको इसी शरीर में रहते हुए मुक्ति दी जाएगी। इसलिए मुक्ति के ऊपर चिंतन करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मन को थोड़ा विचारों से खाली कर लें, विचारों से दूर हट जाएं और अपनी चेतना में डूबने का प्रयास करें, अपनी चेतना में डुबकी लगाने का प्रयास करें, अपने गुणों का चिंतन करें। इन गुणों का चिंतन करते करते मैंने बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन बता रखे हैं, जिसमें आत्मा की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है, आत्मा के गुणों के बारे में बताया है। मैं कौन हूँ नाम से एक वीडियो सीरीज है, गाइडेड मेडिटेशन की सीरीज है। इसी तरह से अंतरयात्रा ध्यान करके हमारी सीरीज है, और आत्म स्वरूप के नाम से
मेरी 3-4 अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन हैं, इन सबको फॉलो कीजिए ताकि आप अपने भीतर, अपनी चेतना के भीतर उतर सकें और अपने आप को जान सकें। जिस दिन आपको अपने आप बारे में समझ में आ जाएगा, आपको परमात्मा का पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो जो संसार का क्रिएटर है वो कहाँ है, वो आपको पता चलेगा कि अपना ही आपा वही है। अयम आत्मेव ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है, यही आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, जो ये महावाक्य हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में कहे गए हैं, ये आपको अक्षरशः सत्य जान पड़ेंगे जब आप एक्चुअली इनको अपने भीतर उतार कर देखोगे। तो अपने भीतर वो से उतारना है, जानना है, और एक बार आपने खुद को जान लिया तो आपके इस संसार में आने का एकमात्र जो लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, वो पूरा हो जाएगा। और एक बार ये पूरा हो गया तो संसार के बाकी सारे फर्ज आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। इस आत्मा को जानना परम उद्देश्य में से एक है। ऑफ कोर्स इसमें और भी उद्देश्य शामिल हैं, जैसे अपने सांसारिक कर्मों का निपटारा करना, संसार की सेवा करना, परमात्मा के नियमों को समझना, और भी गुण है। लेकिन सबसे प्राइमरी जो गुण है, प्राइमरी जो मकसद है इस संसार में आने का, वो अपनी आत्मा को जानना है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, डेडिकेटेड एफर्ट लगाने चाहिए। किसी गुरु की शरण में अगर जाने को मिले और कहीं से कोई रास्ता दिखे तो जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को बेस बनाकर अपनी आत्मा में उतरने का प्रयास करेंगे। सुबह कुछ समय तक आत्मचिंतन में डूबिए और गाइडेड मेडिटेशन आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको और विस्तार से इस बात को जानना है, अपने भीतर की अवस्था को जानना है तो। और दिन में भी हो सके तो हर एक घंटे बाद 2 मिनट के लिए अपनी आत्म चेतना में डूबें, अपने आप को याद दिलाएं कि आप भी वही शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, आनंद रूप हैं, शिव रूप हैं। ये अपने भीतर की चेतना को जागाने का ये जो सुंदर प्रयास है, इसमें आपको सफलता मिले, मेरी परमात्मा से शुभ दुआ है आप सभी के लिए कि हम जाग सकें और अपने जीवन का परम उद्देश्य पूरा कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।